वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसे मैथ्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये बायलैंगुअल है। इसमें CHSL के पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, जो जस्ट अभी एग्ज़ाम पास हुआ है 2021 में, जो एग्ज़ाम पास 2020 का एग्ज़ाम 2021 में जो हुआ था, तो उसमें जो क्वेश्चन है वो। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इफ 14 मैन वर्किंग 12 आवर्स अ डे कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 8 डेज, देन हाउ मेनी मैन वर्किंग 4 आवर्स अ डे कैन कम्प्लीट द वर्क सेम वर्क इन 16 डेज। यदि प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 40 पुरुष 8 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए कितने पुरुष 16 दिनों में इसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला सिंपल सा होगा। इसे हम लोग इस फार्मूला यूज़ करेंगे, m1 into d1 into h1 m2 d2 h2। तो m कितना है हमारे पास 40, दिन कितना है 8 और घंटा कितना है 12। दूसरे केस में हमें आदमी निकालना है और दिन हमारे पास 16 है और घंटे हमारे पास 4 है। इसे डिवाइड कर 4 से इसे काट देंगे हम लोग 10 बार में, 8 से इसे काट देंगे हम लोग 2 बार में, 2 से इसे काटेंगे 6 बार में। तो m2 बराबर आ गया 60। 60 लोगों की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। अगला सवाल, 12 स्टिक्स ईच ऑफ लेंथ यूनिट 1 मतलब आर यूज टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज। 12 छड़े जिनमें प्रत्येक की लंबाई एक इकाई है, उन्हें एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले 12 यूनिट है, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज क्या करेगा कि पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करेगा हमेशा ही। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए सबसे छोटा कौन सा 3 संख्या है जो पाइथागोरस को प्रूव करते हैं। तो एक अगर इसको 3 लेंगे, इसको 4 लेंगे, इसको 5 लेंगे, तो ये 3 का स्क्वायर 9, ये 9, ये 16, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 25, जो कि 5 का स्क्वायर है। अगर आप ध्यान दें तो 5 से 8, 8 4 12, तो एक बार 3 लगेगा इधर, 4 डंडा लगेगा इधर, 5 डंडे लगेंगे हम लोग का, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का हाफ इंटू पी इंटू बी। तो पी हमारा यहाँ पे 3 है और एच हमारा सॉरी बी हमारा 4 है। ठीक है, तो 2 से कटा, 2 बार में आया 6। ठीक है, अगला सवाल, ₹10,000 हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 क्राफ्ट्समैन 5 हेल्पर्स एंड 6 लेबरर्स सच दैट ईच हेल्पर रिसीव्स द अमाउंट ट्वाइस एज मच लेबर रिसीव एंड ईच क्राफ्ट्समैन रिसीव द अमाउंट थ्राइस एज मच लेबर रिसीव्स। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव बाय द 3 क्राफ्ट्समैन। ₹10,000 3 कारीगर 5 सहायकों और 6 मजदूरों के बीच वितरित किए जाने हैं, जैसे कि प्रत्येक सहायक को एक मजदूर को प्राप्त होने वाली राशि से दुगनी राशि प्राप्त होती है और प्रत्येक कारीगर को मजदूर से 3 गुनी राशि मिलती है। तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे इस चीज़ का। देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया है, 6 लेबरर्स सच दैट इच हेल्पर रिसीव्स द अमाउंट ट्वाइस एज मच द लेबरर। जितना लेबरर को मिल रहा है, लेबर को मिल रहा है, तो लेबर को हम लोग L लिख लेते हैं, क्राफ्ट्समैन को C लिख लेते हैं और हेल्पर को H लिख लेते हैं। ठीक है, हेल्पर रिसीव, हेल्पर कितना रिसीव कर रहा है, लेबरर का दुगना। तो मान लीजिए अगर हम लोग लेबरर का x मान लेते हैं तो हेल्पर का कितना मिलेगा, 2x। ठीक है, एंड ईच क्राफ्ट्समैन रिसीव्स द अमाउंट थ्राइस एज अ लेबरर रिसीव, और क्राफ्ट्समैन को कितना मिलेगा, लेबरर का 3 गुना, मतलब ये 3x। ठीक है, तो अगर इसे हिंदी में देखें, 3 कारीगर ये है, जैसे कि प्रत्येक सहायक को एक मजदूर को प्राप्त होने वाली राशि से दोगुनी, तो ये मेरा सहायक हो गया, ये मजदूर हो गया और ये कारीगर हो गया, सॉरी ये सहायक हो गया, ये मजदूर हो गया और ये कारीगर हो गया। तो सहायक को कितना मिल रहा है, मजदूर का दुगना, तो हमने इसे दुगना मान लिया, इसको x मान के इसको 2x मान लिया, और जो कारीगर को उसको मजदूर को कितना मिल रहा है, 3 गुना, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2:3। तो ये हमारे लेबर थे,
ये क्राफ्ट्समैन और ये हेल्पर। अब कितने कितने हैं ये देखना है, तीन क्राफ्ट्समैन हैं तो टोटल कितने हो गए, दो गुने तीन मतलब छः। पांच हेल्पर हैं तो ये कितने हो गए, हमने गलती यहाँ पे और कर ली, ये हो गया 1:3:2 ना कि 1:2:3, ठीक है। तो ये हो गया 3:3। अब हेल्पर कितने हैं हमारे पास, पांच, तो ये हो गया 2×5। और लेबर कितने हैं, छः, तो ये हो गया टोटल छः, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो पूछा क्या गया है कि तीन क्राफ्ट्समैन को कितने, तो इनको कितना मिलेगा, तो ये कुल कितने हो गए, 9, ये 6 और ये 10। तो 9 ऊपर रखेंगे, तीनों को जोड़ देते हैं, 9×6=15, 10, 25, 25 नीचे रखें और ऊपर रखेंगे हम लोग 10,000। उसे काटिए 4 बार में, तो ये आया आपका 3600। तो 3600 जाएगा तीनों कारीगरों को, ठीक है। तो एक कारीगर को 1200 मिलेगा, पूछा अगर पूछा था तो वही लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि तीनों को कितना मिल रहा है टोटल। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग एग्ज़ाम में आते हैं और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके पास भी है जो आपको नहीं आ रहे तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपको डेफिनेटली उसका हम सॉल्यूशन भेजेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम पोस्ट करें आपके पास पहुंच जाए। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स।